नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह अपनी कंप्यूटर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। दोस्तों, टैली ERP9 का ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इसके पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं। जो फ्रेंड्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से वन बाई वन प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। ये हमारा लेक्चर नंबर 17 है। आज का टॉपिक है गोडाउन क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, आइए टैली के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि गोडाउन क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। दोस्तों, ये हमारा असाइनमेंट है गोडाउन क्रिएशन का। इसमें कैपिटल 1 करोड़ रुपए दिया हुआ है, बैंक डिपॉजिट 45 लाख रुपीज़, बैंक विड्रॉल 10 लाख रुपीज़ एंड परचेज। दोस्तों, यहाँ पे LED टीवी दिया हुआ है। LED टीवी हम परचेज कर रहे हैं। हमारे 3 गोदाम हैं अलग अलग शहर में, एक लखनऊ में है, एक कानपुर में है और एक बाराबंकी में है। तो दोस्तों, लखनऊ में हमने खरीदा 50 पीस LED टीवी 15,000 रुपीज़ के रेट से। दोस्तों, जो परचेज रेट रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि मैं परचेज कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए, तो हमारे लिए जो कॉस्ट रहेगी वो सभी गोडाउंस के लिए सेम रहेगी और उसके बाद मैं उसे अलग अलग गोडाउंस में डालूंगा। तो पहले लखनऊ में हमने 50 पीस खरीदा, कानपुर के लिए 50 पीस खरीदा, बाराबंकी के लिए 50 पीस खरीदा और इसके बाद दोस्तों सेल हो रही है। तो यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है LED टीवी फ्रॉम लखनऊ। लखनऊ से 30 पीस बिका, रेट जो था वो हमारा MRP 20,000 रुपीज़ पर पीस के MRP से हमने बेचा। इसके बाद फ्रॉम कानपुर से जो हमने बेचा वो 20 पीस बेचा और यहाँ का जो रेट हमने रखा था 19,000 रुपीज़। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा रेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, वेरिएबल रेट है, अलग अलग गोडाउंस में अलग अलग रेट है। दरअसल होता क्या है कि रूरल एरियाज होती हैं, रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा जो सामान होते हैं उसके रेट हमें रिजनेबल रखने होते हैं, कम रखने होते हैं ताकि हर आदमी आसानी से परचेज कर सके। और जो पॉश एरिया है वहाँ पे रेट थोड़ा सा हम बढ़ा के भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे शोरूम वगैरह की कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, सैलरी पेड लोग भी महंगे होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कम खर्चे में लोग मिल जाते हैं, सस्ते लोग मिल जाते हैं, सस्ते में हमको ऑफिस के लिए स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ पे कानपुर से हमने जो 20 पीस सामान बेचा 19,000 रुपये के रेट से और बाराबंकी से हमने 10 पीस बेचा जो कि 18,000 रुपये के रेट से बेचा। इसके अलावा कुछ एंट्रीज हैं, जैसे फर्नीचर हमने 50,000 में ख़रीदा, इस पर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 25% का। लैंड हमने 5 लाख में ख़रीदा, इस पर अप्रिसिएशन लगा हुआ है 20% का। तो दोस्तों, हम लोग चूंकि गोडाउंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ से कैपिटल से लेके और सेल्स तक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। दोस्तों, ये आपका टैली का सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट की हुई है godowncreation.com के नाम से। इसमें अभी कोई लेजर नहीं बना हुआ है, तो सबसे पहले आइए हम लोग नेसेसरी लेजर्स जो होते हैं लेजर क्रिएट कर लेते हैं। ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गए, लेजर पे गए और लेजर क्रिएट किया। मल्टीपल लेजर क्रिएशन में जाके लेजर एक बार में शॉर्टकट की से क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल का अंडर कैपिटल अकाउंट होगा दोस्तों। इसके बाद से आपका बैंक ले लेंगे, बैंक से डिपॉजिट विड्रॉल करने के लिए बैंक अकाउंट होगा। इसके बाद परचेज ले लेंगे, परचेज अकाउंट अंडर परचेज अकाउंट होगा। दोस्तों, ये लेजर क्रिएशन मैं काफ़ी पहले बता चुका हूँ। जो फ्रेंड्स पहली बार देख रहे हूँ, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि लेजर स्टार्टिंग का मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेक्चर है हमारा लेजर क्रिएट करने वाला, उसको अगर आप लोग देख लेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट होगा। ये हमारे लेजर्स हो गए। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे,
इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाने से पहले हम गोडाउन्स को एक्टिवेट करेंगे। गोडाउन्स को एक्टिवेट करने के लिए शॉर्टकट की जो प्रेस करनी होती है वो F11 प्रेस करनी होती है। F11 प्रेस किया हमने, इसके बाद इन्वेंट्री फीचर पे जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर पे जाने के बाद एंटर करेंगे, कंपनी चूज करके एंटर करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इसको हम यस कर देंगे। एंटर, ये आपका ऑप्शन यस कर दिया और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देंगे, या एंटर प्रेस करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, गोडाउन्स का ऑप्शन क्रिएट एक्टिवेट हो चुका है। इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में जाएंगे, ये देखिए हमारा गोडाउन्स का ऑप्शन शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपने गोडाउन्स क्रिएट कर देते हैं। गोडाउन्स क्या क्या है हमारे पास, लखनऊ है, LUCKNOW, लखनऊ। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी होगी, जो अंडर पूछ रहा है, अंडर ले लेंगे मेन लोकेशन। मेन लोकेशन मतलब होता है कि कंपनी का हेड ऑफिस, तो मान लीजिए लखनऊ हमारा हेड ऑफिस है, लखनऊ हो गया। इसके बाद हमने ले लिया कानपुर, कानपुर प्राइमरी रहेगा। इसके बाद हमने ले लिया बाराबंकी, बाराबंकी, बाराबंकी हमारा प्राइमरी रहेगा। ये हमारे गोडाउन्स क्रिएट हो गए। गोडाउन क्रिएट करने के बाद हम बाहर आएंगे, यहाँ पे यूनिट क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि एलईडी टीवी है तो एलईडी टीवी को हम पीस में मेजर करेंगे। क्वांटिटी इसकी पीस में रहेगी, हमने पीस ले लिया और ये हमारा यूनिट क्रिएट हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स बैक आएंगे और हम जाएंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। यहाँ से क्रिएट, यहाँ पे एलईडी टीवी है, एलईडी टीवी एंटर करेंगे फ्रेंड्स, एंटर। और यहाँ पे यूनिट ले लेंगे, यूनिट लेने के बाद एंटर करेंगे, एंटर, एलईडी टीवी हमारी क्रिएट हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स स्किप करके बाहर जाना है, बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होगी, F6 रिसिप्ट में जाएंगे और कैपिटल कितना था हमारा, कैपिटल है 1 करोड़ रुपीस, डिपॉजिट है 45 लाख, विड्रॉ है 10 लाख, इसी के अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हमने कैपिटल ले लिया 770, बाय कैश कैपिटल की एंट्री हो गई फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर लेते हैं, कॉन्ट्रा में जाएंगे, F4 शॉर्टकट की प्रेस किया, कॉन्ट्रा में गए और यहाँ पे हमने बैंक में डिपॉजिट करना है 45 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ICICI बैंक। ये फ्रेंड्स हमारा बैंक डिपॉजिट हो गया, ये डिटेल्स स्किप कर देंगे एंटर मार मार के और आगे सेव कर देंगे। बैंक विड्रॉ करना है तो यहाँ पे 2 के साथ बैंक ले लेंगे और यहाँ पे ले लिया हमने 10 लाख रुपीस, 1 2 3 4 5, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ पे आपका कैश आ जाएगा, बिकॉज विड्रॉ कर रहे हैं, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा, ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग आएंगे परचेज में, F9, परचेज में गए दोस्तों। परचेज में जाने के बाद यहाँ से पार्टी अकाउंट नेम में कैश ले लेंगे, लेजर यहाँ से डिटेल्स फिलअप करने के बाद लेजर ले लेंगे हम यहाँ से परचेज का, और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम क्या है फ्रेंड्स, एलईडी टीवी है। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एलईडी टीवी चूज करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने एक नया बॉक्स अपीयर हो जाएगा। इसमें देखिए गोडाउन्स पूछ रहा है, तो गोडाउन्स में सबसे पहले लखनऊ, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी में 50 पीस, रेट पूछ रहा है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये रेट ले लिया, एंटर करेंगे। अगेन दूसरा कानपुर में 50 पीस, एंटर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे रेट पे गया ही नहीं,
क्यों? क्योंकि पहले हमने रेट इसका डिसाइड कर दिया, 15,000 रुपये के रेट से मैं परचेज कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग किसी भी गोदाम में प्रोडक्ट को रखूँ, लेकिन हमारी कॉस्टिंग तो वही पड़ेगी जो एक जहाँ से हम खरीद रहे हैं। नेक्स्ट बाराबंकी ले लेते हैं, यहाँ से बाराबंकी, बाराबंकी में भी 50 पीस ले लिया और ये करके हमने ये डिटेल पूरा हमने सेव कर दी। ये हमारा परचेज हो गया फ्रेंड्स। परचेज होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार थोड़ा सा इसकी समरी देख लेते हैं परचेज का। स्टॉक समरी में जाएंगे, यहाँ से स्टॉक समरी में जाने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की। ये देखिए आपका यहाँ पे शो कर रहा है बाराबंकी में 50 पीस, कानपुर में 50 पीस, लखनऊ में 50 पीस। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमें इसकी सेलिंग करनी है, तो अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं अगेन और यहाँ पे सेल करने के लिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। सेल्स हाँ, लखनऊ से 30 पीस 20,000 रुपये के रेट से, कानपुर से 20 पीस 19,000 रुपये के रेट से, बाराबंकी से 10 पीस 18,000 रुपये के रेट से। तो आइए यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे शॉर्टकट की सेल्स के लिए। कैश ले लिया, ऑल टे करके इसको स्किप कर देंगे डिटेल्स को, एंटर, प्रोडक्ट LED TV, गोडाउन लखनऊ 20 पीस, एक सेकेंड 30 पीस, सॉरी यहाँ से आपका 30 पीस 20,000 रुपीज एंटर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हमें तीनों गोडाउंस की जो एंट्री है सेल्स की सेपरेट करनी होगी क्योंकि तीनों का रेट अलग अलग है। तो ये हमारा एक लखनऊ का सेल हो गया। इसके बाद हम कानपुर का सेल करेंगे, यहाँ से अगेन सेम प्रोसेस ले लेते हैं LED TV और यहाँ से ले लिया हमने कानपुर। कानपुर से 20 पीस बेचना है और 19,000 रुपये का रेट लगा के 19,000 रुपये, एंटर। ये हमारा सेव हो गया। इसके बाद से दोस्तों हमें बेचना है बाराबंकी से, यहाँ से सेम प्रोसेस सेल्स ले लिया LED TV और यहाँ से गोडाउन ले लिया बाराबंकी, और बाराबंकी से हमें बेचना है 10 पीस और 18,000 रुपये के रेट से। यहाँ से आपका 10 पीस 18,000, एंटर करेंगे और एंटर करके सेव कर देंगे। दोस्तों ये हमारा सेल्स हो गया। अब अगेन आइए एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। यहाँ से स्टॉक समरी पे गए, स्टॉक समरी पे जाने के बाद ये आपका स्टॉक समरी है, यहाँ पे एंटर करेंगे, ऑल्ट F1 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए बाराबंकी में आपका 40 पीस बचा हुआ है और कानपुर में 30 पीस बचा हुआ है, लखनऊ में 20 पीस बचा हुआ है। तो दोस्तों ये आपकी गोडाउन बेस्ड वर्किंग हो गई। इसी तरह से आप अलग अलग शहर के अलग अलग गोडाउन की सारी एंट्री आप एक ही जगह बैठ के एक ही कंप्यूटर पर मेंटेन कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। हमारे वीडियो को सर्च करने के लिए youtube.com में लिखें टैली बाय विष्णु सर या अपनी कंप्यूटर पाठशाला, जो कि चैनल का नाम है, ये डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल आ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स तक पहुँच सके जो पे करके सीखना अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों ये हमारी मेल आईडी दी गई है, कोई भी क्वेरी है आपकी इस पे मुझे मेल कर सकते हैं, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।